हाय एवरीवन, सीसा 2023 के सॉल्यूशन सीरीज में ये है वीडियो 11, जहां पे हम इस पेपर के और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूजडे एंड सी अलोन वर्क्स ऑन वेनसडे। ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे। तो वो लोग साइकिल में काम कर रहे हैं, एक दिन ए कर रहा है, बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर वापस ए बी सी, इस तरह से काम कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो देखो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई वुड कॉल इट एज अ इजी क्वेश्चन। यहाँ पे तीन लोग है ए बी सी, और इसको काम करने में 8 डेज लगते हैं, इसको 16 लगते हैं और इसको 12 लगते हैं। अगर हम ये तीनों का एलसीएम जैसे टोटल वर्क के लिए हम लेते हैं तो वो होगा 48, विच इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। तो एक दिन में ये तीन लोग, ए करेगा 6 यूनिट्स राइट पर डे का काम है ये, बी करेगा 3 यूनिट्स और सी करेगा 4 यूनिट्स। ये तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। अब क्या हो रहा है, मतलब पहले दिन लेट अस पुट इट एज, बिकॉज हमको डेज दिए है मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो पहले दिन ए कर रहा है तो वो 6 यूनिट काम पूरा करेगा, क्योंकि ये एक दिन में 6 यूनिट करता है। फिर बी काम करेगा, 3 यूनिट होगा, और फिर सी काम करेगा, 4 यूनिट होगा। फिर वापस ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, फिर वापस ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, इस तरह से राइट। वो काम कितना करना है, 48 यूनिट्स। तो पहले तीन दिन में, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसमें कितने दिन हो गए, सॉरी कितना यूनिट काम हो गया पहले तीन दिनों में, 13 राइट। सो ये 13, ये 13, फिर ये 13, तो 39 यूनिट्स अब तक पूरे हो गए। उसके बाद क्या होगा, वापस ए काम करेगा, तो 39 प्लस 6 45 यूनिट्स हो गए। उसके बाद बी काम करेगा तो 3 48 यूनिट्स हो गए। तो यहाँ पे जाके काम पूरा होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो ये तो थर्सडे है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो ये 3 और 3 6 7 8 9 10 11 नहीं, काम करने के लिए 11 दिन लगेंगे, 10 डेज में काम पूरा नहीं होगा। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 ओनली, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी इसमें देखो ये सिंबल जो है, ये सिंबल का मीनिंग हमको निकालना है। हाँ, कभी कभी इसका मीनिंग निकालना होगा, कभी कभी ये पूरे इक्वेशन का मीनिंग निकालना, क्या हो रहा है इस इक्वेशन में। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें बेसिकली आपको ये तीन का मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा, सम करके देखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करके देखना पड़ेगा, या कुछ रेशियो है तो वो देखना पड़ेगा। तो इट इज बेसिकली ट्रायल एंड एरर, बट ऑपरेशंस विल बी बेसिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 प्लस 7 16 प्लस 10 26, और ये जो 26 के डिजिट्स है उसका टोटल 8 है, मतलब 2 प्लस 6 इज 8। ओके, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 30 50, और ये 5 प्लस 0 5 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 प्लस 17 28 प्लस 21 49, 9 प्लस 4 13 आ रहा है। तो यहाँ तक शायद आप 49 तक पहुंच जाओगे, लेकिन ये क्लिक होना कि ये दो डिजिट्स का टोटल है, ये शायद जल्दी होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू शुड सी इफ यू गेट दैट वेरी क्विकली। अगर नहीं होता है तो आगे चले जाओ, फिर थोड़े देर के बाद और वापस आके देख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एंडलेस थॉट प्रोसेस हो जाए और आपको पता ही ना चले राइट। तो वो चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स you should attempt for some time or move forward and then try it again after some time.
अभी आंसर क्या आएगा? 23 + 4 27 + 15, तो दिस विल बी 42, 4 + 2 = 6, तो दैट्स ऑप्शन ए, दैट्स योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो सही, लेकिन उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से सोचना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो लेट अस ड्रॉ इट। तो दिस इज अ स्क्वायर, और आई वुड रादर, ओके दैट्स फाइन। तो दिस इज ए बी सी डी, वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ द ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ बी सी एंड डी ए, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है और यहाँ पे दो पॉइंट्स है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी थ्री पॉइंट्स एज वर्टाइसेस आउट ऑफ द सिक्स पॉइंट्स, तो ये जो छह पॉइंट है इसके साथ कितने यूनिक ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो आप अगर इसको केयरफुली सोचोगे तो बेसिकली आपको बताया गया है कि आपके पास सिक्स पॉइंट्स हैं और उसमें से आपको तीन तीन के कॉम्बिनेशन पिक करने हैं, राइट, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब जो यूज किया है वो वापस भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। तो ऑब्वियसली दिस इज अ, कितने पॉइंट पिकअप करने हैं आपको, तीन पॉइंट पिकअप करने हैं, सो दिस इज बेसिकली 6C3। तो ये मतलब जो एन सी आर इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे सिक्स में से तीन के कॉम्बिनेशंस आपको पिकअप करने हैं, तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 6C3 विच इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 2 1 डिवाइडेड बाय 6 × 6, तो ये 6 को ये 6 कैंसिल हुआ, दिस 3 × 2 = 6, तो ये 6 भी कैंसिल हुआ, बचा 5 × 4 विच इज 20, एंड दैट्स योर आंसर ऑप्शन सी, राइट। लेकिन अगर किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑप्शनल को डाला है तो आपको बेसिकली ड्रॉ ड्रॉ करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से ड्रॉ करके कैलकुलेट करने की आदत है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आई वुड से दैट इट इज स्टिल पॉसिबल, मे टेक लिटिल मोर टाइम बट इट इज पॉसिबल। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नंबर देम 3, 4, 5 और 6, और एक सिक्वेंस से लिखना चालू कर दो, मतलब देखो 1, 2 और 3 ये एक ट्रायंगल बन गया, फिर 1, 3 और 4 ये एक ट्रायंगल बन गया, 1, 5, 4 ये एक ट्रायंगल बन गया, 1, 6, 5 ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। तो इसको आप अगर लिखोगे तो है 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 6, फिर 1, 2 and 4, फिर 1, 2 and 4 ये एक ट्रायंगल बन गया, 1, 2 and 5 ये एक ट्रायंगल बन गया, और 1, 2 and 6 ये एक ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ पे 1, 2 and 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, और फिर यही चीज आपको 3 के साथ करनी है, 4 के साथ करनी है, 5 के साथ करनी है, 6 के साथ करनी है। तो व्हाट वुड हैपन, आपको ट्रायंगल मिलेंगे 1, 2, 6 के बाद, 1, 3 का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको मिलेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 6, फिर 4 के साथ करने से मिलेंगे 1, 4, 6, एक ही मिलेगा, यूनिक चाहिए, राइट। फिर 2 से अगर चालू करें तो फिर मिलेंगे 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, फिर 2, 4, 5 एंड 2, 4, 6 और 2, 5, 6, राइट। फिर होगा 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 6,
होगा 4 पैसे। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दैट्स योर आंसर। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस मेथड, मतलब यू मस्ट नॉट, इफ यू नो दिस एंड यू शुड नो दिस, बट इफ यू कांट काइंड ऑफ कन्वर्ट दिस इनटू कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम एंड यू नो ट्राई टू डू इट मैन्युअली। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें बहुत, जैसे 18 भी है यहाँ पे, राइट? तो अगर कुछ एक दो पॉइंट मिस हो गए तो यू मे एंड अप राइटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो इसको अगर करना भी है तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। तो दीज वेर द 3 प्रॉब्लम्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। आई विल कंटिन्यू टू सॉल्व दिस, आई विल ऑल्सो सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।